गाइज मैं एंड वेलकम टू तो माय चैनल आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ मस्ट हैव प्लाजोस व्हाइट कलर की एक कैटेगरी मैंने बना रखी है जिसमें अलग अलग तरीके के आपके साथ प्लाजो शेयर करूंगी उसके बाद बाकी के जो कलर्स हैं वो शेयर करूँगी क्योंकि वाइट कलर ऐसा है जो बहुत सारे कपड़ों पे चल जाता है मोस्टली हर कपड़े पे चल जाता है तो उसके डिफरेंट वेराइटीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ चलिए रहिएगा वीडियो पर और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप कुछ मिस ना करें चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ एक ही वाइट कलर का पैंट जो कि है मीशो से और बहुत सुंदर है बहुत ही ज़्यादा इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी सेमी इलास्टिक केटेड इसकी वेस्ट पैंट है और आप ये देखिए इसकी लेंथ विर्थ मुझे बहुत सही लगी नीचे एक कटआउट मिल रहा है कटआउट वाले जो प्लाजोज़ या पेंट्स होते हैं ना पेंट्स मोस्टली उसका ना एक लुक अलग आता है और इसके साथ आपको पॉकेट भी मिल रही है ठीक है बोरी भी दी गई है अगर लास्टिक वगैरह खराब हो जाए तो एडजस्ट करने के लिए ठीक है खादी सा कॉटन होता है ना बिल्कुल वैसा है और ये ऐसा पैंट है मतलब इस तरीके की पैंट है ये कि टॉप पे कुर्ता पे सब पे चल जाएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा और अफोर्ड प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल आई थिंक दो सौ ढाई सौ रुपये का ही शायद ये है स्क्रीन शॉट में लगा दूँगी आप देख लीजिएगा इसके बाद मैं आपके साथ अपना बहुत ही फेवरेट वाइट कलर का प्लाजो शेयर कर रही हूँ बीबा का प्लाजो है एक्चुअली ये और ये प्लाज़ो कम स्कर्ट ज़्यादा लगता है और पहना हुआ इतना सुंदर लगता है ये ये देखिए ये देखिए ये ऐसा लगता है जैसे पूरा फ्लेरी स्कर्ट हो जब मैंने ये लिया था तो ये आई थिंक साढ़े छः सौ सात सौ रुपये का था शायद ऐसे ही मैंने लिया था अब भी ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है आई थिंक थाउजेंड प्लस की रेंज में जो भी होगा मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी आपको ये देखिए इसका फ्लेयर देखिए इस बहुत ही सुंदर है इसको मैं धो चुकी हूँ कई बार लेकिन आप ये देखिए इसकी क्वालिटी बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी निकली कॉटन में है अंदर आपको लाइनिंग भी मिल रही है जो कि वो भी कॉटन में ही है जो लाइनिंग में आपको मिल रही है फुल्ली इलास्टिकेटेड इसका वेस्ट बैंड है बहुत ही प्यारा ये प्लाजो है मुझे बहुत पसंद आया ये तो आप अगर लेना चाहें ना तो आप चाहें तो ले सकते हैं इसके बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ये नॉर्मल वाइट कलर का प्लाज़ो जो कि मैं रेगुलर यूज़ में पहनती हूँ जैसे कोई भी कुर्ता वगैरह पहना है टॉप वगैरह पहना है उसके नीचे सही रहता है फुल्ली इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड है रिओन का फ़ैब्रिक है इसका फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा है अच्छा अभी थोड़े रिंकल्स आ रहे होंगे इस पर तो वो इग्नोर कीजिएगा क्योंकि धो के जिसमें ऐसे ही ले आई थी करने का टाइम नहीं हो पाया ठीक है तो ये ये देखिए इसका फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा है लेंथ भी अच्छा है और ये भी मैंने बहुत बार वॉश कर लिया इसकी क्वालिटी ऐसी की ऐसी निकली आई थिंक ये मैंने मीशो से परचेज़ किया है सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इसके बाद जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है वाइट कलर की पेंट लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है यहाँ पर आपको लेस लगी हुई मिल जाएगी फुल्ली इलास्टिकेटेड आपको इसमें वेस्ट पेंट भी मिलेगा अच्छा सा पीस है काफ़ी प्यारा सा वर्सटाइल पीस ये है कि जैसे चिकनकारी कुर्ता वगैरह हम पहनते हैं ना तो उस पेंट इस तरीके की चिकनकारी लेस वाली लगाई हुई प्लाजो वगैरह पहनो तो का बहुत अच्छा लगता है तो ये उसके लिए है अच्छा इसके बाद में आपको एक जो घर में पहनने वाले प्लाजो होते हैं वो दिखा रही हूँ जो कि अभी समझ में आप पहन सकते हैं तो ये टू के पेयर में मैंने मंगाया था मीशो से वो अलग बात है कि डबल एक्सल आ गया है तो मुझे ये आएगा नहीं ठीक है ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही नहीं आएगा ये कहीं से कहीं तक भी तो ये मुझे चेंज कराना पड़ेगा और ये देखिए इसमें लेकिन ना फ्लेयर बहुत ही अच्छे देखिए बहुत सारे इसमें यहाँ ही से आपको गैदरिंग इसमें मिल रही है काफ़ी अच्छी और ये देखिए फ्लेयर फ्लेयर बहुत अच्छा है इसका ये देखिए और प्राइस रेंज भी बहुत अच्छा है इसका आ, इसका ना मटेरियल वो है क्या बोलते हैं इसको आई थिंक इसको क्रीप बोलेंगे आ, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है इसका क्या आ, मटेरियल है आप बताइएगा थोड़ा सा ना ये देखिए थोड़ा ऐसे ही मतलब ऐसे एकदम जो वो कि ये बिल्कुल जिसको प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती ना मतलब कैसे भी धो करो और रख दो ऐसे ऐसे करके भी कितना भी मैं कर लूँगी तो भी इसमें सिलवटें नहीं आएंगी तो ये उस तरीके का कपड़ा है ठीक है इसमें दो के पेयर में आपको मिलेगा एक ये और एक ये कलर मतलब कलर और भी अवेलेबल है टू के सेट में मुझे मैंने ये दो मंगाए थे लेकिन ये ढीला इतना आ गया है कि ये पहना ही नहीं जाएगा तो इसे चेंज करना पड़ेगा तो ये है ठीक इसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक गोल्डन कलर की पेंट ये भी बहुत अच्छी निकली ये भी अमेजोन से मैंने परचेज किया था इसमें आपको सेमी इलास्टिकेटेड वेस्ट पेन मिल जाएगी यहाँ पर आपको इस तरीके का बटन मिलेगा चेन मिलेगी एंड खादी एकदम जो खादी कपड़े की क्वालिटी बहुत ही अच्छी तो काफ़ी अच्छा ये पीस मुझे लगा और इसमें भी आपको ना इसमें भी आपको ना नीचे स्लेट मिलेगा तो काफ़ी अच्छा पीस मुझे ये लगा बहुत ही सही है पॉकेट भी है बिल्कुल पेंट ही है ये आप इसे टॉप के ऊपर पहन के आराम से ऑफिस जाना चाहें तो जा सकते हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्लैक कलर सारे ही ऐसे कलर हैं जो कि अगर आपके पास हैं मतलब इस तरीके के प्लाजो हमें चाहिए होते हैं ये मैंने मस्ट है इसीलिए कराई था इसके साथ में अब मैं आपके जो शेयर कर रही हूँ ये है ब्लैक कलर की पेंट ये देखिए कुछ इस तरीके की है फुल इलास्टिकेटेड है ये, ये पैंट है जो कि स्ट्रेचेबल है ये देखिए ये इस तरीके से स्ट्रेचेबल पैंट है इसका लुक काफ़ी अच्छा है इसका क्वालिटी भी काफ़ी सही निकली और प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ क्योंकि मीशो से है ये भी तो प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग बात करूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी निकली मैं काफ़ी टाइम से इसे पहन रही हूँ मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा पेंट स्टाइल है और काफ़ी सही है तो ये है एक अगेन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कलर का प्लाजो ये देखिए इस तरीके से फुल इलास्टिकेटेड इसकी वेस्ट बैंड है ये प्योर ब्लैक है एक्चुअली वाइट और ब्लैक इस तरीके के रेयन मटेरियल में है वाइट और ब्लैक ऐसे कलर है हमारे पास अगर हो तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है दोनों में से एक किसी न किसी पे तो चली जाता है ठीक है अच्छा इसके बाद में ना आपके साथ एक शेयर कर रही हूँ एक ये पेंट और दुपट्टा का सेट देखिए ये जो ये जो प्लाजो है ना मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ दिखाने का मकसद मेरा ये है कि ज़रूरी नहीं है आपको हर बार अलग से खरीदना ही पड़े किसी एक सूट मेरे सिल्क के सूट के साथ ये मैं आपको दिखा दूंगी इधर ये सिल्क के सूट के साथ का मेरा प्लाज़ो है और ये दुपट्टा मैंने अलग से किया था लेकिन ये प्लाजो और ये दुपट्टा किसी भी सूट के ऊपर जैसे वो भी प्लेन सूट है या कोई इस तरीके का जिसमें मैं कॉन्ट्रास्ट कर सकती हूँ मिक्स एंड मैच कर सकती मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर हमारे पास इस तरीके की कुछ चीज़ें हो तो आप बहुत सारी चीज़ों के साथ कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं तो मैं ना इसको इन दोनों को बहुत जो, जो जिसपे कॉन्ट्रास्ट हो सकता है ना उसके साथ मैं ये दोनों पहन लेती हूँ ये है इसकी पेंट आप ये देखिए रेड कलर की पेंट है इसका कुर्ता भी है और इसमें आपको फुल इलास्टिकेटेड बैंड है तो ये मेरा काफ़ी सारे आउटफिट के ऊपर चल जाता है क्योंकि रेड कलर है ठीक है सिल्क में है दूसरा ये सिल्क का दुपट्टा है तो इसके साथ पेयर करती हूँ ना बहुत अच्छा लगता है इसी इसके साथ जैसे सूट वगैरह आप पहनते हैं ना प्लेन कोई तो उस पर इस तरीके से आप इसको पेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा का। तो दिखा रही हूँ एक ये सेमी इलास्टिकेटेड मस्टर्ड कलर में पेंट है ये भी काफ़ी सारे आपके आउटफिट्स के ऊपर चल जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है सो ओके गायश दिस इज इट फॉर दिस वीडियो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा कॉमेंट करिएगा आपको क्या सबसे अच्छा लगा कुछ भी आपका फीडबैक और अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो इसे लाइक करके सब्सक्राइब करके जरूर मिल जाएगा मेरे चैनल को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के टेक केयर बा